की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको फेशियल सीरम को यूज करना चाहिए और फेशियल सीरम को किस लिए यूज करना चाहिए और साथ ही अपनी स्किन टाइप के हिसाब से आपको कौन सा फेशियल सीरम यूज करना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी आज की वीडियो से। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसके बगल में जो बेल बटन है उसे जरूर प्रेस करें और साथ ही अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी इस वीडियो से। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि फेशियल सीरम होते क्या है। फेशियल सीरम ऐसे स्किन केयर प्रोडक्ट होते हैं जो कि हमारे स्किन में डीपर लेयर्स में जाते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा पेनिट्रेटिंग होते हैं और इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा स्मॉलर होते हैं एज कम्पेयर टू ऑल द मॉइस्चराइजर्स और साथ ही हमारे स्किन में बहुत ही जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको फेशियल सीरम का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए। दोस्तों, फेशियल जो सीरम होते हैं ये करेक्टिव होते हैं। लाइक अगर आपके कोई भी फेस पर, आपकी स्किन पर कोई भी कंसर्न है जैसे कि पिगमेंटेशन, एक्ने स्कार्स, पिंपल्स वगैरह और रिंकल्स और डल स्किन एंड सो ऑन, तो इन सारी प्रॉब्लम्स को ये क्योर करते हैं क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा स्मॉलर होते हैं तो ये हमारे स्किन के डीपर लेयर्स में पहुंच जाता है और वहां पर ये अपना काम जल्दी करता है। तो क्योंकि हमारे स्किन में अंदर तक ये चीजें पेनिट्रेट होती हैं, इनके एक्टिव मॉलिक्यूल्स हमारे स्किन में पेनिट्रेट होते हैं तो ये अपना काम बहुत ही जल्दी करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन मेनली ये रहता है सबका कि क्या फेशियल सीरम और मॉइस्चराइजर में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों, जो मॉइस्चराइजर होते हैं इनके पार्टिकल्स जो होते हैं थोड़े बिगर होते हैं तो ये हमारी स्किन की अपर लेयर पे, सिर्फ अपर लेयर पे वर्क करता है, ठीक है। और जो सीरम्स होते हैं वो हमारी स्किन की डीपर लेयर पे वर्क करते हैं और सीरम के बाद मॉइस्चराइजर लगाना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि दोनों एक साथ काम करते हैं। हमारी स्किन के अंदर सीरम वर्क कर रहा है और हमारी स्किन की अपर लेयर पे हम मॉइस्चराइजर लगाते हैं ताकि एक बैरियर क्रिएट हो जाए और हमारा सीरम अच्छी तरीके से वर्क कर पाए। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि फेशियल सीरम का इस्तेमाल आपको किस तरीके से करना चाहिए। दोस्तों, फेशियल सीरम को यूज करने से पहले आप हमेशा ध्यान रखें कि आपकी जो स्किन है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लीन हो, उसमें कोई भी मेकअप के ट्रेसेस ना हो। तो इसीलिए अगर आपने मेकअप किया हुआ हो तो आप उसके ऊपर सीरम को इस्तेमाल ना करें बल्कि आप अपनी क्लीन स्किन पर ही इसे इस्तेमाल करें क्योंकि दोस्तों सीरम जो होता है वो हमारी स्किन के डीपर लेयर्स पे वर्क करता है। तो इसीलिए अगर आपकी स्किन के ऊपर कोई भी बैरियर उसे मिलेगा तो वो अपना काम अच्छी तरीके से नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए आप सीरम को यूज करने से पहले किसी माइल्ड फेस वॉश की मदद से अपने चेहरे को क्लीन कर लें। और एक इम्पॉर्टेंट बात, हमेशा याद रहे कि अगर आप कभी भी मेकअप करते हैं तो डायरेक्ट अपना फेस वॉश ना करें किसी भी फेस वॉश की मदद से, बजाय कि सबसे पहले आप ऑयल क्लींजिंग करके अपने मेकअप को रिमूव करें। आप चाहें तो मेकअप रिमूवर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके बाद आप किसी फेस वॉश की मदद से अपने चेहरे को धो लें ताकि आपका मेकअप अच्छी तरीके से निकल जाए और आपकी स्किन अच्छे से क्लीन भी हो जाए। अब अच्छी तरीके से अपने फेस को क्लींस करने के बाद आपको यूज करना होता है टोनर ताकि आपकी स्किन के जो भी पोर्स हैं वो अच्छी तरीके से अनक्लॉग हो जाएं और क्लीन हो जाएं। और इसके लिए आप अपना फेवरेट कोई भी टोनर यूज कर सकते हैं या फिर रोज वाटर को भी आप एज अ टोनर यूज कर सकते हो। तो दोस्तों, अब आ रही है फेशियल सीरम को यूज करने की और हमेशा ध्यान रहे कि टोनर लगाने के बाद में और मॉइस्चराइजर लगाने के पहले ही आपको फेशियल सीरम को यूज करना चाहिए। दोस्तों, सीरम लगाने से पहले आप ध्यान रखें कि आपके जो हैंड्स हैं वो अच्छी तरीके से क्लीन हो। क्यों? क्योंकि जो सीरम होता है इसमें एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो अगर आपके हाथों में कोई भी गंदगी है और फिर आपने उसे अपने चेहरे पर लगाया सीरम की हेल्प से तो क्या होगा कि आपके हाथों की इम्प्योरिटीज भी आपकी स्किन में पेनिट्रेट कर सकती हैं और ये आपकी स्किन को हार्म पहुंचा सकता है। दोस्तों, सीरम अप्लाई करने के लिए आप सीरम की 2 से 3 बूंदे अपने पाम पर ले लें और अच्छे से आप अपने दोनों पाम के बीच में इसे स्प्रेड कर लें और इसके बाद आप जेंटली अपने फेस पर अपने पाम्स को प्रेस करें ताकि जो सीरम है ये आपकी स्किन में अच्छे से पेनिट्रेट कर जाए। और याद रहे आप इस सीरम को अपनी नेक पर लगाना बिल्कुल ना भूलें। और सीरम अप्लाई करने के बाद आप अपने फेस पे कोई भी मॉइस्चराइजर अप्लाई करें और याद रहे दोस्तों कि अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली और एक्ने प्रोन है तो आप सिर्फ ऐसे मॉइस्चराइजर ही इस्तेमाल करें जो ऑयल फ्री हो या फिर वाटर बेस्ड हो। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपकी स्किन टाइप के हिसाब से आपको सीरम किस तरीके से चूज करना चाहिए और उनमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मौजूद होने चाहिए। दोस्तों, अगर आपकी स्किन है कॉम्बिनेशन ऑयली एक्ने प्रोन तो इसके लिए आपके सीरम में प्रेजेंट होने चाहिए विटामिन सी, रेटिनॉल, जिंक और सैलिसिलिक एसिड। दोस्तों, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी एसी बोटानिका का विटामिन सी सीरम। दोस्तों, अगर आपकी स्किन है ड्राई तो इसके लिए आपके सीरम में होने चाहिए हाई एलुरोनिक एसिड, विटामिन ई एंड ग्लाइकोलिक एसिड।
तो ड्राई स्किन वालों को मैं रिकमेंड करूंगी एसटी बोटानिका का एचए हाई एलुरोनिक एसिड सीरम, और इनके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूं, तो आप चेक करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों अगर आपकी स्किन टाइप नॉर्मल है तो आप इन दोनों में से कोई भी सीरम इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों आज की वीडियो में जो सीरम मैंने आपको रिकमेंड किए हैं वो इसलिए किए हैं क्योंकि ये 100% प्योर है, इनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, इसमें कोई SLS नहीं है और साथ ही इसमें कोई मिनरल ऑयल नहीं है और साथ ही ऑर्गेनिक है, और इनके लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, तो आप चेक करना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ खत्म होती है मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करें और बेल बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए अब मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।